नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी ने दाखिल की 19वीं चार्जशीट, विनोद चौहान को बनाया गया आरोपी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आप पार्टी का हल्ला बोल जारी, देश भर में भाजपा मुख्यालयों के पास करेगी प्रदर्शन। देश में पहली बार राज्यपाल ने सीएम पर मानहानि का किया केस, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी के खिलाफ कोर्ट में किया केस। ममता ने कहा था महिला राजभवन की गतिविधियों की वजह से वहां जाने से डरती हैं। एनटीए की 3 परीक्षाओं की नई तारीखों का हुआ ऐलान, ऑनलाइन मोड पर 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच होगी परीक्षा, इनमें यूसीजी नेट एनसीईआरटी शामिल। अगले 2 दिनों में पूरे देश में मानसून के पहुंचने की संभावना, पूर्वोत्तर में भी होगी मूसलाधार बारिश। आज दिल्ली के जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेताओं से की बातचीत, लिए बड़े फैसले। उत्तराखंड पहुंचा मानसून, देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। लद्दाख में हुआ बड़ा हादसा, एलएसी के पास अचानक आई बाढ़ में सेना के 5 जवान बहे। शुक्रवार को देर रात करीब 1 बजे अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से हुआ हादसा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों से संबंधी कोई फैसला नहीं लिए जाने से एक बार फिर कर्मचारियों की आस टूट गई है और उनकी नाराजगी बढ़ गई है। हालांकि कर्मचारी संगठन लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लड़ से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ चुके। हरियाणा सरकार अब कर्मचारियों से संबंधी फैसले लेने से पेशोपेश में है। वहीं चेतावनी दिए जाने के बावजूद हरियाणा सरकार ने ना तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों की कोई सूची जारी की जिन्होंने विपक्ष बोगस वोटिंग में मदद की और ना ही ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकी। वहीं इसके उलट में कर्मचारियों की नाराजगी को देख पक्के और कच्चे कर्मचारियों को सरकार से राहत के फैसलों की आस है, लेकिन इस प्रकार के फैसले लेने में सरकार झिझक रही है। दरअसल वीरवार को हरियाणा मंत्रिमंडल में हुई बैठक जिसमें संभावना जताई जा रही थी कि बैठक में पक्के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी जा सकती है। इसके अलावा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर भी अटकलें थी, लेकिन बैठक में ना तो ऐसा कोई एजेंडा लाया गया और ना ही बैठक में इन मुद्दों पर कोई चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी की पंचकुला में होने वाली विस्तारित प्रदेश कार्यप्रणाली बैठक हुई। दरअसल यह बैठक 2 सत्र में हुई। आपको बता दें कि हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन सरकार बनने की कवायद में जुटी भाजपा की आज पंचकुला में अहम बैठक की गई। सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव कुमार, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये बैठक 2 सत्र में हुई। पहले सत्र की बैठक को सीएम व प्रभारी वरिष्ठ नेता व पदाधिकारियों को संबोधित किया गया। वही दूसरा सत्र 5 बजे तक चला जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और विधानसभा चुनाव की रणनीति के बारे में बताया। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ है उस मार्गदर्शन को हरियाणा में धरातल पर उतारेंगे। साथ में ये भी बताया गया कि बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी कार्यों पर भी चर्चा की गई। वहीं पूरे दिन चलने वाली बैठक में 4500 से ज्यादा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया जिसमें भाजपा ने अस्थायी चिकित्सा सुविधा के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी रखी थी। हरियाणा में कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा।
दरअसल कांग्रेस का वोट प्रतिशत उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, जहां लोगों ने भाजपा के विरुद्ध वोट दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा को 3 जोन में बांटकर अलग अलग ईमेल जारी किए गए हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति रहने वाली है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पूरे प्रदेश को 3 जोन में बांटा गया है। कांग्रेस पार्टी ने जहां न्याय पत्र बनाने के लिए प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे हैं, वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से टिकट के लिए आवेदन करने को भी कहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी जिताऊ चेहरों को ही टिकट दिए जाएंगे। दरअसल हरियाणा की 5 लोकसभा सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस नेता काफी उत्साहित हैं। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी द्वारा हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक लेने के बाद पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया ने प्रदेश के कांग्रेसियों को एक पत्र जारी किया है। हरियाणा में मानसून इस बार निर्धारित तारीख से एक दिन बाद पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। आज यानी शनिवार को मानसून पूरे हरियाणा को कवर कर लेगा। आपको बता दें कि मानसून ने हरियाणा में दक्षिण और उत्तरी हिस्से से दस्तक दी। एक तरफ से मानसून ने राजस्थान के रास्ते भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, मेवात, पलवल, रोहतक और फरीदाबाद से एंट्री मारी, तो दूसरी तरफ उत्तर के रास्ते यमुनानगर कुछ हिस्सों में प्रवेश कर गया है, जहां पहले ही दिन गुरुग्राम में 100.5 mm और मेवात में 125 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। यमुनानगर में भी 5 mm बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।